साहिर लुधियानवी की बायोपिक में से तापसी हुई आउट, इस एक ट्रेस की हुई एंट्री। 8 मार्च 1921 को जन्मे साहिर लुधियानवी एक प्रसिद्ध शायर तथा गीतकार थे। इनका जन्म लुधियाना में हुआ था और लाहौर, 4 उर्दू पत्रिकाओं का संपादन सन 1948 तक तथा बम्बई 1949 के बाद इनकी कर्मभूमि रही। अब इनकी जीवनी पर फिल्मकार संजय लीला भंसाली फिल्म बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इस बायोपिक में अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ एक ट्रेस तापसी पन्नू नजर आएगी। वह अमृता प्रीतम का किरदार निभाएगी। तापसी पन्नू से पहले इस रोल के लिए सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा के नाम की चर्चा रही, फिर ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी इस रोल के साथ जुड़ा। कुछ दिनों पहले तक ये भी कहा जाने लगा था कि अभिषेक ने भी ये रोल करने से मना कर दिया है और आशंका थी कि ऐसे में ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो सकता है। लेकिन अब खबर मिली है कि इस फिल्म में भंसाली एक बार फिर दीपिका को इस बायोपिक का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए वह दीपिका की हर शर्त को मानने के लिए भी तैयार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका ने फिल्म करने से पहले एक शर्त रखी है कि फिल्म का नाम केवल साहिर लुधियानवी के नाम पर रखने के बजाय साहिर और अमृता प्रीतम के नाम पर रखा जाए। फिल्म की कहानी साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के रिश्ते पर आधारित होगी। यह एक प्रेम कहानी है और सूत्रों के मुताबिक भंसाली ने दीपिका की यह शर्त मान ली है। आपको बता दें कि साहिर जी को जीवन में 2 प्रेम असफलता मिली। पहला कॉलेज के दिनों में अमृता प्रीतम के साथ, जब अमृता के घर वालों ने उनकी शादी न करने का फैसला ये सोच कर लिया कि साहिर एक तो मुस्लिम है, दूसरे गरीब और दूसरी सुधा मल्होत्रा से। वे आजीवन अविवाहित रहे तथा 59 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जीवन की तल्खियाँ, कटुता इनके लिखे शेरों में झलकती है।